नमस्कार खांटी ओडिया रेसीपी चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम झुड़ंग आलु रे गोटे स्वादिष्ट तरकारी प्रस्तुत करवा जहाँ स्वाद टिके राग और हल्का खटा होता है। यहाँ गरम गरम भात सहित खाइले बहुत बढ़िया लगी थाए। तेबे आज रेसीपी को आरंभ करने पूर्व आपण मैंने मो चैनल को सब्सक्राइब करनी पाखे छोट बेल आइकन को क्लिक करनी जहाद्वारा आपण मो नुआ वीडियोस रो नोटिफिकेशन पाइपर तेज आसत देखे ना आज रेसीपी झुड़ंग आलु रही तरकारी को प्रस्तुत करने ये मुझे 250 ग्राम झुड़ंग नहीं भल भाव धोईकी यार दुई साइड मुंडी और टाण शिरा को काढ़ी नहीं सहित यहपर यह छोट छोट खंड कर दुईट मीडियम सैज्र आलु को सीझे यार चोपा छड़ेकिपर बड़ बड़ खंड कर गोटे मुठा भजा बड़ी नहीं तरकारी स्वाद जेहेतु हाल्का खटा होता है तेणु मुझे दुईट छोट सैज्र देशी टमाटर नहीं यहाँ यहपर बड़ बड़ खंड कर खटा दरकार से हिसाब से आपड़ टमाटर परिमाण कम किंवा बेसी करेंगे। गोटे मीडियम सैज्र पिज को यहपर छोट छोट खंड कर यार मसला को बनवाई इटे मुझे गोटे चामच सोरस अधा चामच गोटा जीरा 8-10 कला रसुण छोट खंडे अदा और गोटे कंचा लंका नहीं खूब कम पा देखिए चिकण करवा यह व्यतीत आमको आवश्यक मुताबक सोरस तेल दरकार फुटणपी इटे शुखला लंका सोरस और जीरा को मिसाई 1 टीस्पून नहीं स्वाद अनुसार लुण दरकार स्वाद अनुसार हलदी गुंड और लंका गुंड नहीं 1 टीस्पून गरम मसला गुंड नहीं प्रथम आम यहीपर गोटे कुकिंग पैन में 1 टीस्पून सोरस तेल को पक गरम होगापी दबा तेल भल भाव गरम हो गलापर आम गैस फ्लेम को लो मीडियम कर नवा और काटिक रखि झुड़ंग को ये पकई नवा बर्तमान एमें खूब कम हलदी गुंड और लुण को पकई झुड़ंग को आम 3-4 मिनिट पे लो मीडियम फ्लेम रे भाजी नवा झुड़ंगटी यहपर भाजी हुई आसे आम यहाँ कुकिंग पैन रो गोटे साइड को करी करें सीझा कटा आलु को पकई नवा और झुड़ंग सहित आम यहाँ आउ 2-3 मिनिट पे भाजी नवा झुड़ंग आलु ये बहुत भल भाव भाजी हुई जाइए झुड़ंग को आप 5-6 मिनिट रु बेसी भाजबे ना एवं चलत यार मसला को प्रस्तुत करनवा यार मसला को बनवापर गोटे कुकिंग पैन में 2-2.5 चमच सोरस तेल को पकई नवा यह गरम होगापी छाड़ीद तेल यहीपर गरम हो गलापर आम फुटणपी रखि 1 टीस्पून सोरस जीरा और शुखला लंका को ये पकई नवा गैस फ्लेम को लो मीडियम रखी आम यहाँ आधा मिनिट रु गोटे मिनिट पर्यंत भाजी नवा फुटणटी यहपर भाजी हो गलापर आम ए कटा पिज को पकई नवा पिज को ये आम बेसी भाजवा ना पिजर कंचा बास्ना जावा जाए आम यहाँ कि समय पर भाजी नवा पिजटी जिते बड़ेपर हाल्का बादामी रंग होते आम कटा टमाटर को पकई नवा यह सहित स्वाद अनुसार हलदी गुंड लंका गुंड और लुण को पक गैस फ्लेम को मीडियम रे रखी ये टमाटर को नरम हवा जाए किसी समय पर भाजी नवा देसी टमाटर गुड़िक सीझिकी नरम हवापी जेहेतु टी अधिक समय लगे तेणु एथिरे पकेथिबा गुंड मसला गुड़िक जेपरी न चलिब सेतिपाय आमे एथिरे आधा कप पानी पकई नवा और टमाटर गुड़िक सीझिक नरम हवा जाए आम यहाँ कुक कर नवा टमाटर गुड़िक सीझिकपर मेल्ट हो गलापर आम प्रस्तुत करथवा बटा मसला को एथिरे पकई नवा गैस फ्लेम को लो मीडियम रे रखी ए मसला को आम 3-4 मिनिट पे भल भाव कषि नवा
ମସଲାଟି କଷି ହୋଇକି ଯେତେବେଳେ ଏହିପରି ସାଇଡ଼୍ରୁ ତେଲ ଅଲଗା ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭଜା ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଳୁକୁ ଏଥିରେ ପକାଇ ନେବା। ଏହାକୁ ଆମେ ମସଲା ସହିତ 1-2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କଷି ନେବା। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ତରକାରୀ ଝୋଳ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ପାଣି ପକାଇ ନେବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଏଥିରେ ଭଜା ବଡ଼ି ପକାଇବା, ବଡ଼ି ପକାଇବା ପରେ ଏହା ତରକାରୀ ଝୋଳକୁ ପୁରା ସୋକ୍ କରିନେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଠି ପାଣିର ପରିମାଣ ଟିକିଏ ଅଧିକ ନେବେ। ଏଠି ମୁଁ 1.5 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ନେଇଛି। ଏହିସବୁକୁ ଥରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇରେ ରଖି ଏହି ତରକାରୀକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତରକାରୀଟି ଏହିପରି ଫୁଟି ଆସିଲେ ଆମେ ଏଥିରେ ଭଜା ବଡ଼ିକୁ ପକାଇ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖି ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ଣୀ ଦେଇ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା। ଏହାକୁ ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କୁକ୍ କରିନେବା। ଯେହେତୁ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗକୁ ଭାଜିବା ସମୟରେ ଏହା ଅଧା ସିଝି ଯାଇଥିଲା ଓ ତା ସହିତ ଆମେ ସିଝା ଆଳୁ ନେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଏଠି ପରିବାକୁ 4-5 ମିନିଟ୍ରୁ ଅଧିକ ସିଝେଇବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତରକାରୀର ଝୋଳ ପାଇଁ ଆମେ ଯେତିକି ପାଣି ଦେଇଥିଲେ, ତରକାରୀରେ ବଡ଼ି ପକାଇବା ପରେ ଏହା ତରକାରୀର ଝୋଳକୁ ପୁରା ସୋକ୍ କରିନେଇଛି। ତେଣୁ ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଆଉ ବେଶୀ କୁକ୍ କରିବା ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ 1 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା ଓ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିନେବା। ତେବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଆମର ଅତି ସୁଆଦିଆ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଳୁ ତରକାରୀ। ଆଶା କରେ ଆଜିର ଏହି ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ଶେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।